इस बार जन्माष्टमी पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लिया है। ये इस तरह से झूला एकदम, ये थोड़ा राजवाड़ा स्टाइल का लगता है। और ये देखिए इसमें पीछे जो अटैचमेंट है ये अलग हो जाते हैं। अगर क्लीनिंग वगैरह करनी हो तो आप इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। और ये देखिए पीछे इस तरह से इसमें कुछ अटैचमेंट दे रखा है जिसमें ये इजीली लग जाता है। और इसके जो ये छत्र बना हुआ है ये काफी सुंदर लगता है। ये देखिए कितना सुंदर है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं वुडन का झूला लूँ, मेरे पास झूला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। ये मुझे करीब 1200 का पड़ा है। मैं जो भी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ उनकी प्राइस मैं साइड में मेंशन कर दूँगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। ब्रास का है प्योर, तो मैंने इसको इस बार ले लिया। और साथ ही मैंने लिए इसको ये अभिषेक करने का पात्र होता है, वैसे इसको श्रृंगी बोला जाता है। ये भी काफ़ी बड़ी, इसमें अच्छा सा पानी या दूध आ जाता है अभिषेक के लिए। और इसमें नीचे एक गाय के मुख जैसा मुख बना हुआ है और जिसमें छोटा सा छेद है, जो इसके अंदर आप पानी दूध कुछ भी डालें तो आराम से इसमें अभिषेक अच्छे से होता है। पहले मैं लोटे से करती थी, कम या ज़्यादा होता रहता था, तो मैंने सोचा इस बार इसको ले लें। एक मैंने ली पिछवाई अपने लड्डू गोपाल, या आप कोई भी झांकी बना रहे हैं, ये नीचे बिछाने के लिए काफ़ी ट्रेंडिंग में और काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस तरह के आपको अलग अलग वेरायटी के मार्केट में मिल जाएंगे। ये वेलवेट का कपड़ा होता है और इस पे इस तरह से देखिए गाय बने हुए, वैसे तो उन्होंने बोला ये नंदी बने हुए। अभी तो ये मैंने 1 मीटर लिया है, लेकिन अगर मुझे लगेगा इसको कट करना तो ये चौड़ी सी मैंने लेस ली है, इसको साइडों में लगा दीजिए तो काफ़ी अच्छा छोटे छोटे आसन बनकर यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। एक पीस मैंने लिया है, ये 1/2 मीटर है, ये स्वस्तिक बने हुए हैं। इसमें कुछ इस तरह से अलग अलग वैरायटी के मार्केट में अवेलेबल है, जैसे जय महाकाल लिखा हुआ, श्री लिखा हुआ, मोर बने हुए। दिवाली आ रही है और डेकोरेशन के पर्पज से मैंने ये दो लोटस ले लिए। इसमें ऊपर नीचे दो होल है, तो आप इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा रिंग्स वगैरह डाल के। और ये देखिए कुछ मैंने ये यहाँ पर टोकरियाँ ली है छोटी छोटी, और ये थोड़ी बड़ी साइज की, और ये कुछ गोटे के बने हुए फ्लावर, और ये कुछ मोती लिए हैं ताकि मैं कुछ भी DIY या कुछ भी बना दूँ मुझे काम आ जाए। और ये कलरफुल मैंने मोती लिए हैं। पिछले साल दिवाली पे मैंने ये थाली और दो बोल तो लिए थे, इनको अच्छे से साफ करके चमका लिया, लेकिन अभी मैंने ये छोटी छोटी प्लेट खरीदी है ब्रास की। इनका यूज़ आप मंदिर में किसी भी चीज़ को रखने के लिए कर सकते हैं ताकि आपका मंदिर बिल्कुल भी गंदा ना हो। आप इसमें चावल रख सकते हैं या दूध वगैरह कुछ लिक्विड रख रहे हैं तो वो इसमें रख दीजिए, गिलास, तो आपका मंदिर नीचे से गंदा नहीं हो। ये मेरे पास स्टिकन ओके है, आप बोलेंगे ये क्यों दिखा रही है, ये तो सबके पास मिल ही जाते हैं, लेकिन इस पर मेंशन है कि ये 1 kg आपका वेट ले लेते हैं। ये मेरे को 55 रुपीज़ में ही पड़े, 6 पीस हैं। लेकिन आप इनको पुट्टी वाली वाल पर बिल्कुल भी अटैच नहीं कीजिएगा, नहीं तो गिर जाएंगे। और दूसरा जो मैंने लिया है ये पट्टी है, जो आप पर्दे वगैरह बनाते हैं उसमें ये कैनवास की पट्टी है, इसमें रिंग कटी हुई आती है तो पर्दा बनाना इजीली हो जाता है। कुछ मैंने ये गोटे की पतली सी लेस ली है, मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह घर पर ही स्टिच करती हूँ उसमें लगाने के लिए। और ये रिंग है मेरे पास, जो पर्दे के हमने पट्टी ली है उसमें ये कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगी। और दूसरी साइड एक पतली सी रिंग आती है, आप उसको इसमें लगा दीजिए तो ये फिक्स आपके जो रेडीमेड पर्दे आते हैं उस टाइप बन जाएंगे। पर्दे जब मैं बनाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ये मैंने कुछ मैट्स लिए, एक तो है 73 का और एक है 89 का, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गए। इस तरह से लीफ शेप और अलग अलग वेराइटी डिज़ाइन में ये अवेलेबल होते हैं। आप इन मैट्स का यूज़ अपनी डाइनिंग टेबल पर भी कर सकते हैं या फिर किसी भी डेकोर पीस को इसके ऊपर रख कर इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे पास तो डाइनिंग टेबल नहीं है इसीलिए मैंने दो ही लिए। ये कुछ सिरामिक के मैंने यहाँ पर लिए हैं दिए, ये काफ़ी अच्छे हैं, आप उनका रीयूज़ भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले आप इस तरह से पाक बना कर रख लीजिए, ये ख़राब भी नहीं होते। तो पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ नारियल पाक, इसके लिए मैंने लिया है 1 गोला या फिर आप सूखा हुआ नारियल भी कह सकते हैं। और इसको क्रश करने के लिए जो
इसकी पतली वाली साइड है उससे हमें इसको घिसना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और जो इसका काला पार्ट है वो भी हमें घिस लेना है। तो ये मीडियम साइज का हमारा बुरादा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अगर आपको लेना हो तो आप रेडीमेड नारियल का बुरादा भी ले सकते हो। नारियल को ग्रेट करने के बाद अब हमें इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और ये बिल्कुल भी खराब ना हो। मतलब नमी का अभी सीजन है तो इसमें थोड़ी बहुत नमी होती है, वो मॉइस्चर निकल जाए, तो हमें हल्का रोस्ट करना है। इसका कलर चेंज होने तक बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है। देखिए मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं उसी कढ़ाई में मगज के बीज ऐड कर दूंगी। ये करीब 2-3 बड़े चम्मच मगज के बीज मैंने लिए हैं, ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। एक छोटा चम्मच मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। आप बिना घी के भी यहाँ पर रोस्ट कर सकते हैं। इसको रोस्ट होते ही जब हम गैस बंद करेंगे उस टाइम मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पर पॉपी सीड्स यानी खसखस के दाने इसमें ऐड कर दिए, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और ये सारे जो मिक्स है हमने एक सार कर लिए हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जितना हमारा नारियल का बुरादा है उतनी ही वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीनी लेनी है। चाशनी हमारी बनकर रेडी हो उतने हम एक थाली में घी लगाकर उसको ग्रीस करके रख लेंगे। सब सामग्री मैंने मिक्स कर दी। और एक आपको मेजरिंग का एक और तरीका बताती हूँ। जितनी भी आपकी सामग्री है उसको एक बोल से आप इस तरह से मेज़र कर लीजिए। देखिए जैसे मेरी यहाँ पर 2 बोल हैं ये मिक्स मेरा, तो मैंने यहाँ पर 1 बोल चीनी ली। टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है और उसका भी आधा चुटकी मैंने काली मिर्च पाउडर यहाँ पर ऐड किया है। चाशनी हमारी बन रही है। हमें यहाँ पर करीब 1 तार की चाशनी मेजर करनी है। गाढ़ा 1 तार बनाने तक ही हमें यहाँ पर चाशनी प्रिपेयर करनी है। वैसे तो इसमें गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, लेकिन जो गाढ़ा 1 तार आने वाली चाशनी है वो थोड़ी पतली रहती है। उससे क्या है कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है इसको इसमें ऐड करने का और कुक करने का। अगर आपको लगे कि चाशनी पतली है तो इसको थोड़ा बाद में और पका लीजिए। मिक्स को 1 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पर चला लेंगे ताकि चाशनी हमारी अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए। और मिक्स देखिए जमने लायक हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने थाली ग्रीस लगाकर रेडी की थी उसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे। फटाफट हम इसको थाली में निकाल देंगे और इसको एक स्पैचुला से एक दबा देंगे ताकि ये वहीं का वहीं सेट हो जाए। इस में हमने 1 तार की पतली चाशनी ली थी ताकि हमें टाइम मिल गया, लेकिन अगर हम गाढ़ी चाशनी में तुरंत इसको डालते तो ये वहीं पर बिखरा बिखरा हो जाता। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें इस तरह से मार्क लगा लेंगे ताकि जब ये ठंडा हो जाए पूरा तो ईजिली कट हो जाए। भगवान का जन्मदिन है तो आप पाक का भोग लगता ही है, तो आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ठंडा होने के बाद मैंने इस तरह से थोड़ा जो शार्प स्पैचुला होता है उससे इनको कट किया है, ये इजीली निकल गया है। अगर आपका नहीं निकले तो आप नीचे से थाली को थोड़ा गैस पर गर्म कर लीजिए तो इजीली सारे पीसेस बाहर आ जाएंगे। कैसा भी बनेगा तो टेस्टी, क्योंकि ड्राई फ्रूट का ही बना है तो आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। हार्ड चाशनी होगी तो थोड़ा बिखरा हो जाए तो उसमें दूध या पानी मिलाकर फिर से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और लगे कि चाशनी गीली है तो उसको और कुक कर लीजिएगा। देखिए ठंडा होने के बाद पीसेस कट करके मैंने एक डिब्बे में भर लिया है जन्माष्टमी के लिए। दूसरा जो मैं पाक बना रही हूँ ये ड्राई फ्रूट का पाक है, आप इजीली इसको भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा घी। मैंने करीब यहाँ पर 1/2 कटोरी घी रखा है। अभी पहले अंदाजे से ही रखिएगा क्योंकि इसमें कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी सेट कर ली, जो नॉर्मल कटोरी होती है उससे आधी है। तो वो जो छोटी कटोरी भर के मैंने यहाँ पर बादाम लिए उनको थोड़ी देर फ्राई कर लिया। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्के से ही। और काजू तो आप तुरंत ही डाल के 1-2 सेकंड में निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये तुरंत लाल पड़ जाते हैं। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखिएगा जब आप सारी चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं। तो उसी छोटी कटोरी से 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर गोंद लिया है। गोंद को लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये
कच्चा रह जाता है एकदम। फूलने के 1-2 सेकंड बाद भी इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक सेकिएगा, तभी ये अंदर तक सिकेगा। ड्राई फ्रूट आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने गोल को एक साइड निकाला है क्योंकि इसको हमें क्रश करना है, और काजू बादाम और मखाने एक साइड निकाले हैं क्योंकि इनको हम पीस लेंगे। मखाने की क्वांटिटी मैंने काजू बादाम से डबल ली है और उसके आधे मैंने यहाँ पर लिए हैं मगज के बीज। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं फिर भी आपको कह रही हूँ। और नारियल का बुरा आधा भी मैंने उसी कटोरी से मेजर करके लिया है जितने की मगज के बीज लिए थे। और थोड़े से मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर खसखस के दाने ऐड कर दिए। जब हम गैस स्विच ऑफ करेंगे तब इसमें डाल देना है, ये इसी के अंदर ही कुक हो जाएंगे। अब जो हमारे मेवे हैं उनको हम दरदरा पीस लेंगे गोंद, और हमें जो नारियल का बुरा आधा और मगज के बीज है वो हमें नहीं पीसना है। गोंद को क्रश कर लिया है और देखिए इस तरह से दरदरे पीस लिए। और नारियल का बुरादा और जो मगज के बीज है वो हमें होल मतलब साबुती रखना है, तो उनको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको मेजर कर लिया है, ये मेरा 3 बोल है, तो मैंने 1.5 बोल इसमें चीनी ले ली। अगर आप वेट से करना चाहें तो जितने भी आपके ड्राई फ्रूट है उतने ही वजन की आप चीनी यहाँ पर ले लीजिएगा। आस्था और दिल के विश्वास से आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्राई फ्रूट बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। चाहे वो टाइट बने या पतला बने, लेकिन ड्राई फ्रूट का बना हुआ है तो जरूर टेस्ट आएगा। और आपने भगवान के लिए अपने दिल से बनाया है तो कोई बात नहीं, एक बार बिगड़ेगा दूसरी बार आपको याद रहेगा कि मैंने ये यहाँ पर मिस्टेक की है। इसी में भी मैंने एक तार की चाशनी ले ली है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी चाशनी इसमें अब्जॉर्ब हो रही है या नहीं। तो आप इसमें एक साथ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कभी बच जाए चाशनी इसमें कम पड़ जाए तो आप यहाँ इसको थोड़ा बचाकर फिर से अलग से चाशनी बनाकर डाल सकते हैं। इस पर्पस से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा डाला है, सबको मिक्स कर लिया है हमें। अब हम क्या करेंगे कि इसको 2-3 मिनट और कुक कर देंगे, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। वैसे तो इसमें गाढ़ी चाशनी बनती है, लेकिन पतली चाशनी का फायदा ये है कि हम इसको 2-3 मिनट बाद में और कुक कर सकते हैं। अगर गाढ़ी हो जाएगी तो ये तुरंत इसमें डालते ही बिखर जाएगा। तो ये देखिए मेरा मिक्सर अच्छा गाढ़ा हो गया है 2-3 मिनट कुक करने के बाद, ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी जमने जैसा हो गया है। मैंने इसको एक थाली में डाल दिया है, ग्रीस लगाकर पहले से रेडी कर ली थी। ये मेरे दोनों तरह के पाक रेडी हो गए हैं ठंडा होने के बाद, मैंने इसको भी कट कर लिया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल डेली लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इस जन्माष्टमी आप भी पाक बनाकर जरूर अपने कान्हा जी को खिलाइएगा। पंजेरी का प्रसाद भी बनता है, पाक न बना सके तो वो तो जरूरी बनाए।